नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, भारत और नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया। जी हाँ, जानेंगे किस तरीके से नेपाल चीन के इशारे पर काम कर रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे, पाकिस्तान का पानी रोकने का रास्ता साफ, जम्मू कश्मीर के ड्रीम प्रोजेक्ट की DPR की मंजूरी मिल गई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया और ट्वीट करके बताया प्रधानमंत्री मोदी को अपना पक्का दोस्त, कहा हम और भारत मिलकर वैक्सीन ढूंढेंगे इस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए। जी हां, इसी के साथ सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे, जहां पर महिंद्रा आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया, 3 साल तक अगर सेना में आप ट्रेनिंग लेंगे तो नौकरी देने को तैयार हैं। जी हां, जो सरकार ने नया ऐलान किया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। विस्तार से खबरें एक करके जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कैसे कि AIMIM के विधायक ने लॉकडाउन तोड़कर पुलिस प्रशासन को जबरदस्त तरीके से लथाड़ लगाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से ठेंगे पर रखा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, जहां पर घबराए पाकिस्तान, POK में किस तरीके से बिछा रहा बारूदी सुरंग, उसके बारे में भी आपको जानेंगे। सब कुछ खबरें विस्तार जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा संवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 86,000 को पार। जी हां, अब तक 86,508 मामले सामने आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 2760 हो गई है। जबकि दिल्ली की बात करें तो 438 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,333 टोटल हो चुके हैं। राजस्थान में आज 91 मामले आए हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी अब 48 मामले सामने आ चुके हैं, बिहार में 46, तो कर्नाटका में 23, झारखंड में 4 मामले आए हैं, तो असम में भी 2 मामले अब तक आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा पर बढ़ा तनाव, सैनिक तैनाती की बात छावनी बना रहा पड़ोसी देश। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनी लिपुलेखा सड़क के उद्घाटन के बाद भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। एक दिन पहले नेपाल ने सीमा जहां सैनिकों की तैनाती के संकेत दिए, वहीं पड़ोसी देश अब उत्तराखंड के छंगारू स्थानीय छावनी निर्माण की योजना बनाता दिख रहा है। 12 साल की मेहनत के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण लिपुलेख सड़क बनने के बाद नेपाल ने विरोध भी जताया। पड़ोसी देश पहले भी लिपुलेख और काला पानी को अपना बताते हुए सड़क पर निर्माण तीखा विरोध जताते रहा है, वहीं अब सड़क निर्माण पूरा होते दिख रहा है तो नेपाल भारत से लगे इस इलाके में अपनी चौकसी बढ़ा दे रहा है। कुछ रोज पहले ही नेपाल ने भारत से सटे छांगरू में अस्थायी तौर पर बॉर्डर आउटपोस्ट खोला था। ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल के इस इलाकों को जल्द ही सैनिक छावनी में तब्दील करने जा रहा है और इस छावनी में 160 सैनिकों की तैनाती स्थायी तौर पर करने जा रहा है और इसी को लेकर मामला बढ़ सकता है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट बयान दिया गया है कि वो जो भी सीमाएं पे भारत नेपाल और भारत चीन सीमा पर जो भी पूरे के पूरे इलाके, खास करके वो भारत के ही कब्जे में है, लिपुलेख की सड़क वो भारत के कब्जे में आती है, इसलिए नेपाल का ये दावा पूरी तरीके से खारिज भारत ने किया है। लेकिन अब देखने की बात होती है क्या होता है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, इसमें कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नेपाल के पीछे चीन पूरी तरीके से इशारे से काम कर रहा है। यही कारण है कि स्पष्ट तरीके से जनरल ने, स्पष्ट भारत के आर्मी चीफ ने इस पर नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि चीन के इशारे पर नेपाल काम कर रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान का पानी रोकने का रास्ता साफ, जम्मू कश्मीर के ड्रीम प्रोजेक्ट को DPR को मंजूरी। जी हाँ, पाकिस्तान को पानी रोकने का रास्ता अब साफ हो गया है। उज परियोजना की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय सलाहकार समिति ने मंजूरी दे दी और इसे जम्मू कश्मीर की ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसके जरिए इस इलाके में पानी के इस्तेमाल से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही पाकिस्तान का भी पानी रोका जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 9,167 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, जबकि करीब 6 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। अंग्रेजी अखबार राइजिंग कश्मीर के मुताबिक नए और संशोधित DPR को मंजूरी जल संशोधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में दी गई। साल 2008 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, 2013 में केंद्रीय जल आयोग के इंडस बेसिन संगठन ने इस प्रोजेक्ट को DPR तैयार की गई थी। अब मिलने के बाद इसमें भी पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर, ट्रंप ने किया भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान, मोदी को बताया अपना दोस्त। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। दरअसल शनिवार को ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व है कि अमेरिका भारत अपने हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर देने देगा, यानी अमेरिका भारत अपने दोस्त को वेंटिलेटर देगा और इस महामारी के वक्त भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम साथ खड़े हैं, हम वैक्सीन बनाने में भी सहयोग कर रहे हैं और हम साथ मिलकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ेंगे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत बहुत महान देश है और प्रधानमंत्री मोदी मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मैं कुछ दिन पहले ही भारत से लौट के आया हूं और हम लोग एक साथ
रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में नई दिल्ली, अहमदाबाद और आगरा दौरे का भी जिक्र किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी ये साफ नहीं बताया है कि कितने वेंटिलेटर दान दिया जाएगा, लेकिन इस बीच ये बड़ा ऐलान करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट तरीके से इस पर रिएक्शन दिया और पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री ने कहा कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, ये महामारी सामूहिक रूप से हम सभी द्वारा लड़ी जा रही है। ऐसे समय में राष्ट्र को एक साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ बनाने, COVID-19 से मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जरूरी है, भारत और अमेरिका की दोस्ती को और अधिक शक्ति मिले। तो पीएम मोदी ने भी इनका आभार जताया, लेकिन स्पष्ट तरीके से ये बात हुई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सेना में 3 साल ट्रेनिंग की पहल को आनंद महिंद्रा का समर्थन मिला, कहा उसके बाद हम देंगे नौकरी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति में शुमार आनंद महिंद्रा ने युवाओं को सेना में 3 साल तक सेवा देने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया। केवल इतना ही नहीं, महिंद्रा ने भारतीय सेना को ईमेल लिखकर कहा है कि यदि ऐसा कोई प्लान आता है तो 3 साल बाद महिंद्रा की तरफ से नौकरी दी जाएगी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सेना में 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी करने वाले युवाओं को उनके समूह में नौकरी देने में तरजीह दी जाएगी। सेना को लिखे ईमेल में महिंद्रा ने लिखा कि हाल ही में मुझे पता चला कि भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी संबंधी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत युवाओं को, फिट नागरिकों को स्वैच्छिक आधार पर सेना के साथ बतौर जवान या अफसर के तौर पर जुड़कर ऑपरेशनल एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। महिंद्रा ने लिखा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब वे कार्यस्थल पर आएंगे तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। भारतीय सेना में चयन और प्रशिक्षण के सख्त मानकों के मद्देनज़र सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को महिंद्रा समूह नौकरी देने पर विचार करेगा। दरअसल नागरिकों में देश सेवा की भावना बढ़ाने और आम लोगों को भारतीय सेना से जोड़ने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें 3 साल तक यानी 3 साल तक आपको कम समय में भारत की सेवा करने के लिए सेना में लिया जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही रिटायर होंगे तो यहाँ पर 3 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर नौकरी मिलना तय माना जा रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। घबराए पाकिस्तान, पीओके में बिछा रहा बारूदी सुरंग, जारी की आपातकालीन टेंडर। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच हालिया उपजे तनाव के चलते पाकिस्तान ने पीओके में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। नियंत्रण रेखा पर पीओके में व्यापक पैमाने पर बारूदी सुरंग बिछाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एंटी माइनिंग सू की खरीदारी भी शुरू कर दी है। 1 सप्ताह में इन सू की डिलीवरी करने का टेंडर जारी किया जाएगा। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान सेना ने एंटी माइन सू की खरीदारी के लिए आपातकालीन टेंडर जारी किया है। 8 मई को सुबह 10:30 बजे तक टेंडर जमा कराए गए हैं। इसी दिन टेंडर खोला गया और 15 मई तक इन सामानों की आपूर्ति करने को कहा गया। 1 सप्ताह में सामान की आपूर्ति करने की जल्दबाजी को कुछ और इशारा ही करती है। सूत्रों के अनुसार LOC पर पाकिस्तान सैन्य पोस्टों के आसपास काफ़ी तेजी के साथ बारूदी सुरंग बिछाने का काम हो रहा है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पड़ोसी देश की ओर से इस प्रकार के बचाव में शुरू किए गए कार्य हैं, लेकिन मौजूदा समय में इसमें तेजी लाया जाना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि AIMIM विधायक ने तोड़ा लॉकडाउन, पुलिस ने मजबूरन हटाना पड़ा बैरिकेड्स। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शुक्रवार को लॉकडाउन के नियमों का जबरदस्त उल्लंघन किया। इसके बाद पुलिस को मजबूरन हैदराबाद के पुराने शहर डाबेरीपुरा के फ्लाईओवर पर प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाना ही पड़ा। घटना का वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से विधायक फ्लाईओवर पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को बैरिकेड्स हटाने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वहां के वाहनों का आवागमन किया जा सके। भाजपा ने विधायक के इस व्यवहार की निंदा करते हुए कहा है कि अब्दुल्ला को AIMI अध्यक्ष असद ओवैसी का भरोसेमंद माना जाता है और इसी के लिए आज पुलिस प्रशासन से भिड़ गए हैं। भाजपा विधायक टी राजा ने कहा है कि इस पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि विधायक का यह कार्य अत्यधिक अपमानजनक है, पुलिस प्रशासन शर्म से झुक गए हैं, तत्काल मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इससे पहले भी इस तरीके के विवाद आते रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, आपको बता दें कि जोमैटो में नौकरी जाने का खतरा, 13% स्टाफ को निकाल सकती है कंपनी। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी का असल खतरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट और ऑनलाइन फूड ग्रेटर को भी नुकसान हुआ है, उनका खामियाजा इन कंपनियों के कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। गुरुग्राम आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोमैटो ने कहा है कि आने वाले समय में उसे अपने कर्मचारियों के लिए पर्याप्त काम ना होने का अंदाज़ा लग गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी ने अपने कुल 4,000 कर्मियों के 13% लोगों को नई नौकरी ढूंढने के लिए बोल दिया है।
अपने कर्मचारियों को लिखे एक मेल में कंपनी के सीईओ दीपांकर गोयल ने कोरोना वायरस की वजह से व्यापार पर गहरा असर पड़ने की बात कही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी में यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, एनपीआर पर फिलहाल लगाई गई रोक। जी हाँ, जारी किया आदेश। दरअसल आपको बता दें कि देशव्यापी कोरोना वायरस महामारी संकट को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए अगले आदेश तक ये बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी सरकार की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण में लगे कामों को रोका जाए। प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने एनपीआर पर रोक का आदेश जारी किया है। इसके बारे में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर देश में 25 मार्च से लॉकडाउन का आदेश देने के बाद ही केंद्र सरकार ने एनपीआर और जनगणना का काम रोक देने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में बताया गया था कि कोरोना संकट को देखते हुए एनपीआर और जनगणना का कार्य अगले आदेश तक रोका गया है। तो ये बड़ी खबर। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी खबर, दर्दनाक खबर आज औरैया से निकल गया, जहाँ पर औरैया हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है और दो के दोनों एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, मुआवजे का भी ऐलान किया। जी हां, औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित एक्शन लेते हुए फतेहपुर सीकरी आगरा के एसएचओ कोसी कला माथुरा के एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके अलावा संबंधित सीओ एसपी अपर पुलिस अधीक्षकों को कड़ी चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे देने का ऐलान किया। उधर ट्रक के मालिक और ड्राइवर दोनों के खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रक को तत्काल सीज करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। और ये बड़ी खबर निकल के आई है, दर्दनाक हादसा यूपी से हुआ है, जहां पर मजदूरों पर ट्रक चढ़ गए थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पलटा पूर्व सीएम कमलनाथ का एक और फैसला। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद पूर्व सरकार के फैसले को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। मौजूदा शिवराज सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद का गठन 5 साल के लिए हुआ था, लेकिन शिवराज सरकार ने कृषि सलाहकार परिषद के गठन की निरस्त कर दिया है। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कृषि से जुड़े और किसानों की समस्याओं के संबंध में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया था। समिति का गठन फरवरी 2020 में किया गया था, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही पुरानी सरकार के फैसले को रद्द करने का काम तेजी के साथ हो रहा है। इसके तहत बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय गठित हुई समिति के खत्म कर दिया। इस बारे में शिवराज सरकार ने आदेश जारी किया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जोमैटो के साथ साथ अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में बंदिशों के साथ शुरू हो सकेगी सार्वजनिक परिवहन सेवा। जी हां, बसों की सेवा शुरू होने वाली है 17 मई यानी कल से। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते बंद पड़े सार्वजनिक परिवहन को लॉकडाउन खत्म होने या लॉकडाउन में कुछ दिनों बंदियों के साथ चालू करने की कसरत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वाले इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के ने दुनिया के कई देशों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अध्ययन के बाद गाइडलाइन तैयार की हैं। कोरोना काल में तय की गई गाइडलाइन के अनुसार ही सार्वजनिक परिवहन का संचालन हो सकेगा। भारत में अगर बसों का संचालन नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ियाँ सड़कों पर बढ़ेंगी, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। पीएम लेवल बढ़ने से कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किए जाने से ही कोरोना को कम किया जाएगा। और क्योंकि अब बात बड़ी निकल के आ रही है कि यात्रियों के लिए न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, पोस्टर और अन्य माध्यम से बस शेड्यूल की जानकारी दी जाएगी। बसों के अंदर, बस स्टॉप और टर्मिनल में सुरक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस डिस्प्ले किए जाएंगे। बस स्टॉप पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए बसों के शेड्यूल व रनिंग स्टेशन की जानकारी दी जाएगी। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए जाएंगे, व्हाट्सएप SMS से आपको जानकारी मिलेगी। बल्कि बस में यात्रा करने वाले यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य किया जाएगा। टिकट लेने के लिए यात्री और बस कंडक्टर के बीच भी कॉन्टैक्ट ना हो, इसकी भी ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई रियायतें भी होंगी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को ट्रक में बैठाना बना गुनाह। जी हां, योगी सरकार ने दिया बड़ा आदेश। दरअसल औरैया में सड़क हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिया है। सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रकों व गैर यात्री वाहनों में श्रमिकों को ढोने वाले वाहन स्वामियों को व चालकों के खिलाफ मुकदमा यानी पंजीकृत किया जाए FIR। इसके साथ ही वाहनों को तत्काल सीज किया जाए। श्रमिकों व कामगारों को भोजन पानी देकर बसों से उनके गृह नगर भेजने की व्यवस्था हो। उधर मुख्यमंत्री के आदेश पर औरैया दुर्घटना के जिम्मेदार ट्रक मालिकों को चालकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
वो बता दें कि बड़े पैमाने पर मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं और इसी को देखते हुए बड़ा फैसला किया गया है कि उनको तत्काल बसों के माध्यम से घरों तक भिजवाया जाए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के अब तक आंकड़ा 45 लाख को पार कर गया है। जी हाँ, अब तक 45,34,000 कन्फर्म केसेज जबकि मृतकों की संख्या 3,07,000 हो गई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से कोरोना का कहर बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और ये कम होता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि अमेरिका में 14,72,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं जबकि रसिया में 2,62,000 कन्फर्म केसेज, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 2,36,000, स्पेन में 2,30,000, इटली में 2,23,000 और ब्राज़ील में भी 2,19,000, जर्मनी में 1,78,000 केसेज आ चुके थे। राज्य पूरे दुनिया भर का ये आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।